Assalamu alaikum viewers, welcome back to our channel. Thank you very much for your support and love. आज हम आपको लेके जाएंगे जर्मनी के बहुत ज़बरदस्त बड़े कैसल में, जिसका नाम है बुकहाउसन कैसल। में खड़े हैं, लेकिन अगर आप वो सामने जाएंगे तो ये रिवर क्रॉस करने के बाद जर्मनी का बॉर्डर लग जाता है, तो हमने जाना है उस वाले कैसल। आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कितना खूबसूरत कैसल है ये। लेट्स गो। बुकहाउसन आ गए हैं और जर्मनी में और हमने जाना है कैसल के ऊपर। और ये देखें, यहाँ पे बहुत खूबसूरत टाउन है ये। सो हमें पार्किंग मिल गई है और अब हम जाएंगे प्रॉपर कैसल। रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पे छोटे छोटे पार्क्स बनाए हैं। नीचे एक बहुत खूबसूरत लेक है, वहाँ पे लेके चलेंगे हम आपको बोट की सैर कराएंगे। ठीक है, लेट्स गो। वेदर बहुत खूबसूरत है आज, 30 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली, और काफ़ी लोग आए हुए हैं। सैटरडे है, वीकेंड है। तो ये कैसल जो है भुट्टो ने बनाया था और भुट्टो इसी में अभी भी रह रहा है, क्योंकि भुट्टो अभी तक जिंदा है। ये सेब का दरख्त है ये, आई थिंक। और ये सामने जो है लोगों के प्राइवेट घर भी हैं, लोग यहाँ रहते हैं इतनी खूबसूरत जगह पे। पीछे एक बहुत खूबसूरत सी लेक है और यहाँ पे बोटिंग, सर्फिंग सब कुछ चलता है। नीचे जाएंगे और हम करेंगे बोटिंग। ये देखिए किला जो है 1025 सेंचुरी में बिल्ड हुआ, और इस किले को टाइम टू टाइम डिफरेंट बादशाहों ने इसको रेनोवेट किया और इसमें रूम्स तैयार किए, डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस करवाई। ऑडियो इन्फॉर्मेशन का भी लगाया हुआ है, यहाँ पे कॉइन डाले हैं 1 यूरो, और आप यहाँ से ऑडियो इन्फॉर्मेशन सुन सकते हैं इस किले के बारे में, सारी डिटेल का बनाया बिल्ड किया। सामने ऑस्ट्रिया है और हम इस वक्त जर्मनी में।
ये रिवर है, डानूबे रिवर है, बहुत ही लॉन्गेस्ट रिवर है ये। बुदापेस्ट, हंगरी और काफ़ी 10 कंट्रीज में जाता है ये। हम लोग वो सामने थे, उस रोड पे थे हम, वो ब्रिज हमने क्रॉस किया है और ब्रिज से क्रॉस करते हम इस सिटी में आए, टाउन में, और टाउन से हम लोग इस ऊपर आ गए। वो सामने जो है वो चर्च है, सामने वो चर्च है, हर टाउन में एक चर्च होता है लास्ट में बड़ा। अकेले मुझे क्यों निकाला यहाँ, बंद किया गया नवाज शरीफ को। ग्रुप में लेके आते हैं लोगों को और उनको कैसल के बारे में सारी ब्रीफिंग देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये कब बना कर मोची जहाँ पे जहाँ टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। मुझे चाइनीज भी नज़र आ रहा है लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो उनको कुछ समझ आ रहा होगा इसमें, क्योंकि वो जर्मन में एक्सप्लेन कर रही है। ये लेक बहुत सी कहलाती है और ये 910 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पे साइकिल ट्रैक्स भी हैं जहाँ पे लोग साइकिलिंग करते हैं और वॉक भी करते हैं ये लेक के चारों तरफ। के राइट साइड पे वोर्सी लेक है और लेफ्ट साइड पे डानूबे रिवर है। ये मालकिन बैठी है यहाँ दरख्त के साए के तले। तो गाइस हम लोग वो टॉप से हम लोग यहाँ पे वॉक करते हुए इस तरफ आए हैं और फिर यहाँ से हम लोग स्टेयर से नीचे आए हैं। ये देखें यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे बताया गया है कि कितने सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं यहाँ पे इस कैसल में हैं। ये सारी फिशेस यहाँ पे रखी हुई हैं, देखें कितनी बड़ी फिशेस हैं।
गाइस काफ़ी रश है यहाँ पे, हम क्यू में लगे हुए वेट कर रहे हैं, सैनिटाइजर लगे हुए वजह से। ओ गलत हो गया पेंडू, एक्सक्यूज मी। ओके जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। क्यों डर रही हो? ये देखें गाइस, ये है लेक, वो सी है ये, और ये इसका व्यू है यहाँ से देखें, और वो ऊपर कैसल है वो वहाँ पे, और यहाँ से ये जा रहा है पूरा कैसल वो वहाँ तक, वो देखें आप कितना बड़ा कैसल है ये, बहुत बड़ा कैसल है। ये देखें अभी पकड़ के बैठी हुई थी ये बोट हिल रही है और इनकी बहुत डर के मारे हालत ख़राब है। ये देखिए लोग और भी बोटिंग कर रहे हैं। सो गाइस हमने बोटिंग की और बहुत मज़ा आया, अब हम जा रहे हैं वापस, और यहाँ से हमें जाना है ऊपर, और पूरी ये लास्ट कैसल का प्लेस है, और यहाँ से हम जाएंगे वापस ऑन द वे। गाइस हम सीढ़ियाँ से ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे बहुत लॉन्गेस्ट कैसल है ये, 1051 मीटर इस किले की लंबाई है, एंड इट्स द लॉन्गेस्ट कैसल इन द वर्ल्ड कंफर्म बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम जा रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट, ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी मशहूर है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, और इनकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे फ़िश बहुत अच्छी मिलती है, फ़िश एंड चिप्स। बैठेंगे आपको बहुत खूबसूरत सा व्यू दिखाएंगे, ये है व्यू, और ये नीचे लोग बैठे हैं आराम से रिलैक्सिंग पीना चल रहा है। बहुत पीसफुल प्लेस है। चलें रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट। अभी तो काफ़ी शाम हो गई है तो काफ़ी लोग चले गए, लेकिन ये बहुत रश रहता है, वो काफ़ी बिजी रेस्टोरेंट है।
बाद, और हमने सुना है कि मगरिब के बाद कुछ जगहों पर यहाँ पे अभी भी भुट्टो नज़र आता है। तो इससे पहले कि भुट्टो निकले हम लोग जा रहे हैं वापस, और होपफुली आपको ये मज़ा आया हो। आप बताएं हमें कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया वीडियो का, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा।